ये एसके एंटरप्राइज का हैंड ऑटो एजर है, जिसमें आप सीआर पॉलीकार्बोनेट ग्लास लेंस सबका पानी का बहाव जहां चाहो आप कर सकते हो, कम ज्यादा भी हो जाता है। अब हम आपको सीआर पॉलीकार्बोनेट का ग्लास ग्राइंडिंग करके दिखाएंगे और ग्लास का भी दिखाएंगे। सबसे पहले ग्लास का सीआर का मार्किंग किया जाता है। ये मार्किंग हो गया, अब पानी के साथ मशीन चालू हो रहा है, अब हम ग्राइंडिंग करेंगे। आपके पास जो भी डेमो है उससे इसका फ्रेम के साइज से आप ग्लास का मार्किंग कीजिए। आप देख रहे हैं कि सीआर का पूरा ग्लास बिना काटे ग्राइंड हो रहा है। ऑटो एजर में जिस तरह से कटिंग होता है, यह पानी का बहाव चालू है, ये पूरा सफा कट कर रहा है ग्लास को, बहुत तेजी से काट रहा है, पानी के साथ चूरा भी अंदर जा रहा है। मार्किंग के हिसाब से आपका ग्लास कटता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सीआर पूरा कट के फ्रेम के हिसाब से बन गया। अब मीडियम रफ पर इसका ग्राइंडिंग हो रहा है। इतना तेजी से काट रहा है, अब देख सकते हैं ग्लास का फ्रेम के नजदीक आ गया है कटिंग। अब इसका हम फाइन पर ग्राइंडिंग करेंगे तो उसका जो भी धार है वो फाइन हो जाएगा, पॉलिश टाइप हो जाएगा। यू कैन कट द सीआर पॉलीकार्बोनेट ग्लास ऑन सीआर रफ व्हील एंड देन ऑन द मीडियम रफ एंड देन फाइन ग्लास एज पर योर रिक्वायरमेंट फ्रेम साइज एज यू मार्क ऑन द ग्लास ब्लैंक राइट। नाउ इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड सीआर पॉलीकार्बोनेट लेंस एज पर योर फ्रेम। आपका शीशा फ्रेम के मुताबिक बहुत नजदीक आके रह गया है एज पर आपका मार्किंग के हिसाब। अब हम आपको उसका वी ग्रोइंग का भी डेमो दिखा देते हैं। पानी को वी ग्रू की ओर घुमाया, हल्का सा दबा के अब वी ग्रू यानी कि एंगल देख सकते हैं कि इस पर एंगल हो गया। अब इसी तरह सुप्रा व्हील की धार पर इस तरह से सुपरा हो सकता है, यानी नाली जो फ्रेम के हिसाब से धागा प्लास्टिक का लगाने के लिए आप करते हो वो भी यहां पर हो जाता है। अब हम आपको ग्लास का ग्राइंडिंग करके बता रहे हैं, पहले आप मार्किंग कीजिए और उसका ग्राइंडिंग चालू कीजिए। डेमो के हिसाब से ग्लास पर मार्किंग होता है और ये हमारा ऑटो हैंड एजर मशीन ग्लास का मीडियम रफ पर ग्राइंडिंग करके दिखाएंगे। कितना तेज ग्लास को काट रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर ये ग्लास तेजी से कट रहा है, यहाँ पर सीआर के रफ के बदले मीडियम रफ पर ग्लास को काट रहा है। वी आर शोइंग यू टू कट द ग्लास ऑन द मीडियम रफ ग्लास। We are not using CR rough because it is using for only CR plastic polycarbonate. Here you have to use only medium rough fine and weak grooving, right? अब हम यही ग्लास का पूरा डेमो के हिसाब से जो मार्किंग किया है वहां तक काट के पूरा दिखाई दे। ये ग्लास का ग्राइंडिंग अब होने को आ गया है, अब ये फाइन पर ग्राइंडिंग हो रहा है। पूरा ग्लास घुमा के फ्रेम के हिसाब से उसका पूरा ग्राइंडिंग हो रहा है।
जो मार्किंग किया था वहां तक ग्लास ग्राइंड हो गया। अब हम वी ग्रू में डाल के उसका एक सिरे को आपको वी ग्रू के हिसाब से एंगल बना के बता रहे। यहाँ पर इसका एंगल बन गया फुल फ्रेम फिटिंग के लिए। अब हम उसके नाली करके भी दिखा रहे हैं। सुपरा ग्रूअर धार पर इस तरह से ग्लास को, जिस तरह से ग्लास आप पकड़ सको वैसे पकड़ना है। ये हिसाब से या ये हिसाब से, इस तरह से आप ग्लास का और सीआर का ग्राइंडिंग मिनटों में आप कर सकते हो ऑटो एजर व्हील के साथ। हाँ, ये हमारा एसके एंटरप्राइज का ऑप्टी लाइन मार्किंग वाला हमारा ये ऑटो हैंड एजर मशीन है, जिसमें ऑटो एजर का व्हील फिक्स किया हुआ है। और ये आपको आपके स्वास्थ्य को सलामत रख के ग्लास का पूरा काम बहुत तेजी से करके आपको देता है, और आधे से कम दाम में ये आपको उपलब्ध।